टेस्टिस ना हार्मोन पैदा कर रहे हैं ना स्पर्म पैदा कर रहे हैं, यानी टेस्टिस आर कम्प्लीटली फेल। लेकिन क्या ए जूस्पर्मिया वाले मरीज नेचुरल कंसीव कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर मरीज हमसे करता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट काइनी सॉल्यूशन के फॉरम से। आज हमने बात करनी है कि ज़ीरो स्पर्म, जिन लोगों के ज़ीरो स्पर्म्स आ रहे होते हैं उनको किस तरह से जो है वो हेल्प की जा सकती है प्रेगनेंसी को कंसीव करने में। अच्छा, जब जिनके ज़ीरो स्पर्म्स आ रहे होते हैं इसका मतलब ये है कि बाहर स्पर्म्स नहीं निकल रहे। अब अंदर स्पर्म्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे ये हमने उससे मालूम करना होता है। उसके लिए दो इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं, FSH का टेस्ट और टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट। अगर आपका FSH और टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाता है, जो एडल्ट मेल की नॉर्मल रेंज है, तो इसका मतलब है कि आपके स्पर्म्स अंदर सेमिनेफ्रस टब्यूल्स के अंदर, टेस्टिक्यूल्स के अंदर बन रहे हैं। दो के वो कम तादाद में बन रहे हैं या वीक बन रहे हैं या आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से वो सेमिनल फ्लूड के अंदर एंटर नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब यह है स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है। और इसको हम टेस्टिकुलर बायोप्सी करके, टेस्टिस की बायोप्सी करके, जिसको टीजा कहते हैं, उसको हम जो है वो ले सकते हैं और आगे इक्सी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और प्रेगनेंसी अचीव की जा सकती है। लेकिन अगर आपका FSH का हार्मोन बहुत ज़्यादा हाई आ जाता है या टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ही ज़्यादा कम आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका टेस्टिकुलर फेलियर हो चुका हुआ है। टेस्टिस के अंदर जो हार्मोन बनना है वो भी, यहाँ पे एक चीज़ समझ लें, जो मेल के हंसने होते हैं, टेस्टिस होते हैं, उनके दो काम होते हैं, एक मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन पैदा करना और दूसरा स्पर्म्स पैदा करना। अगर टेस्टोस्टेरोन आपका नॉर्मल रेंज में पैदा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि टेस्टिस काम कर रहे हैं, लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन भी लो है और स्पर्म काउंट भी ज़ीरो है तो इसका मतलब है टेस्टिकुलर फेलियर। टेस्टिस ना हार्मोन पैदा कर रहे हैं ना स्पर्म पैदा कर रहे हैं, यानी टेस्टिस आर कम्प्लीटली फेल। तो उस सूरत हाल के अंदर हम पेशेंट को बता देते हैं कि आपका कहानी ख़त्म है, आपके ना टेस्टिकुलर बायोप्सी का कोई फ़ायदा है ना आपके जो है वो किसी भी हैवी किस्म की मेडिसिन का कोई फ़ायदा है। अब तीसरी कैटेगरी वो होती है बॉर्डर लाइन वाले, यानी जिनका FSH भी बॉर्डर लाइन होता है, ना बहुत हाई होता है, मतलब जैसे बॉर्डर लाइन पर खड़ा है बिल्कुल, और टेस्टोस्टेरोन भी बॉर्डर लाइन होता है। अब इनके अंदर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, यानी हो सकता है कि टेस्टिस काम कर रहे हो सकता है टेस्टिस काम ना कर रहे हो। इनके लिए फिर हम माइक्रो टीजी करते हैं। माइक्रो टीजी का मतलब ये है कि हम इनकी टेस्टिकुलर एक्सपोजर करते हैं और उनमें से जो नॉर्मल लुकिंग सेमिनेफ्रस टब्यूल्स हैं उनको हम निकालते हैं, क्योंकि इनके अंदर सारी सेमिनेफ्रस टब्यूल्स पिंक नहीं होंगी, मोस्टली ब्राउन होंगी, लेकिन हमने पिंक सेमिनेफ्रस टब्यूल जो कि होंगी वो निकालेंगे और एम्ब्रियोलॉजिस्ट को देंगे और देखेंगे क्या इनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है। अगर हमें टेस्टिकुलर बायोप्सी के ऊपर स्पर्म्स मिल जाते हैं तो हम इनको क्या करते हैं, इन स्पर्म्स को स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इनकी स्टोरेज के बाद इनकी मिसेस का प्रोटोकॉल चलाते हैं, उनके अंडे बनाते हैं, निकालते हैं और फिर प्रेफरेबली फ्रेश स्पर्म्स, लेकिन अगर उस डे पे हमें फ्रेश स्पर्म्स ना मिले तो जो स्टोर्ड स्पर्म्स होते हैं उनसे हम आपका इक्सी कर सकते हैं। तो अगर आपके स्पर्म ज़ीरो हैं, सीमन एनालिसिस ज़ीरो है, तो पहली बात तो है कि एक दफ़ा रिपोर्ट पे आपने रिलाई नहीं करना, दूसरी दफ़ा किसी सेकंड ऑथेंटिक लैब से रिपीट करनी है। अगर उसमें भी ज़ीरो आ जाता है तो फिर आपके दो ही हार्मोन है ब्लड के, एक FSH और एक टेस्टोस्टेरोन, ये ज़रूर चेक करना है आपने। अगर ये बहुत लो आ जाता है और टेस्ट FSH बहुत हाई आ जाता है तो इसका मतलब यू आर टेस्टिकुलर फेलियर, ना आपके टेस्टिस स्पर्म पैदा कर रहे हैं ना हार्मोन पैदा कर रहे हैं। अगर आपका बॉर्डर लाइन आता है तो हम आपका माइक्रो टीजी करेंगे और माइक्रो टीजी करने से पहले हम आपको कुछ हार्मोन्स बाहर से देंगे, इंजेक्शंस देंगे, ताकि आपके स्पर्म्स मिलने के चांसेस बेहतर हो जाए। और अगर आपका FSH का लेवल नॉर्मल है तो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू, इसका मतलब है कि टेस्टिस काम कर रहे हैं, या तो आगे ऑब्स्ट्रक्शन है और या फिर
कम लेवल पे काम कर रहे हैं तो हम आपकी टेस्टिकुलर बायोप्सी करके आपका सैंपल जो है वो लेके उसमें स्पर्म्स निकाल सकते हैं। लेकिन क्या एजुओस्पर्मिया वाले मरीज नेचुरल कंसीव कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर मरीज हमसे करता है। तो एजुओस्पर्मिया का अगर इक्सी हो सकता है तो उनको खुश होना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ बिल्कुल ज़ीरो है, अगर हम ऑब्स्ट्रक्टिव वैस डेफरेंस एब्सेंस है, कोई डक्ट में ब्लॉकेज है, वो ओपन भी करते हैं तो कई दफ़ा स्पर्म काउंट 15 मिलियन से ऊपर नहीं जाते हैं। और अगर आपके स्पर्म काउंट टोटल स्पर्म काउंट 15 मिलियन पर ml या टोटल 39 to 40 मिलियन तक नहीं है तो आप नेचुरल प्रेगनेंसी आज तक दुनिया में देखी नहीं गई है उसके ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एज एच क्लियरली आपको बता दी है ताकि आप जहाँ कहीं भी बैठे हुए हैं आप अपना एनालिसिस जो है वो खुद भी कर सकें और डॉक्टर को भी उसी हिसाब से लेके चल सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।